आगरा पुलिस ने सर्विलेंस टीम की मदद से 57 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो बरामद हुए मोबाइल की कीमत 8 लाख रुपए है। पुलिस द्वारा मोबाइल बरामद होने के बाद उन्हें मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। आगरा पुलिस और सर्विलेंस की टीम ने मोबाइल गुम होने से परेशान लोगों के चेहरे पर खुशी लौटा दी है। सर्विलेंस की टीम की मदद से पिछले एक साल में अलग अलग घटनाओं में अपने मोबाइल गंवाने वाले लोगों को पुलिस लाइन बुलाकर मोबाइल वापस दिए गए। अपने गुम हुए मोबाइल दोबारा वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल पाने वाले लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया। वहीं एसपी क्राइम ने बताया कि 57 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। मेरा फोन 20 दिसंबर 2021 में खोया था राजामंडी मार्केट से। मैं कॉलेज से घर जा रही थी तो उसी टाइम पे हो गया था। किसने दिलाया था फोन आपको और किस लिए दिलाया था? ऑब्वियस माय फादर्स गिफ्ट, पापा ने ही दिलाया था। जब मैंने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे नया फोन गिफ्ट किया था, तो तभी बस। कितने दिन हो गए तो खोए हुए फोन को? फोन को दिसंबर 21 में खोया है तो अराउंड 6 मंथ्स होने वाले, 7 मंथ हो गए। अब फोन वापस मिल गया, उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी पर मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई गेस कि काम अच्छा चल रहा है, पुलिस का भी गवर्नमेंट का भी। जनपद आगरा में गत एक वर्ष में अलग अलग घटनाओं में करीब 57 मोबाइल रिकवर किए हैं सर्वेलांस सेल द्वारा। इसमें जिस प्रकार से मोबाइल यूज़ होता है उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको बरामद किया गया है। ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन है और इनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। सभी मोबाइल का गुमशुदगी के थे, चोरी के थे या लूट? जी, जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग घटनाओं के हैं, चोरी के भी हैं, छिनैती के भी हैं और गुमशुदगी के भी। मोबाइल स्वामियों को दिया जाएगा फोन? आज मोबाइल स्वामियों को बुलाया गया, उन सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर इनके साथ अगर बात करें तो लुटेरे या चोरों को भी पकड़ा है क्या? घटनाओं का अनावरण हो रहा है धीरे धीरे, जैसा होता है समय समय पर आपको बता दिया जाता है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।